न्यूज 24 है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। आज मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर तस्वीर साफ हो सकती है। दिल्ली से आज भोपाल लौटेंगे मंत्री मोहन यादव, तो यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली से वापस लौटेंगे। कल देर रात तक दिग्गज नेताओं से सीएम ने मुलाकात भी की थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह से मुलाकात की गई थी। तो कल दिल्ली दौरे पर थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। ये तस्वीर देखिए जहां गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की, और मुलाकात में विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा की गई है। हालांकि आज भोपाल लौटेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, तो अब कहा जा सकता है कि जल्द ही विभागों के बंटवारे को लेकर सस्पेंस खत्म हो सकता है। तो ये तस्वीरें हैं कल दिल्ली की, जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। देखिए, आज भोपाल लौटेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, तो कहा जाए कि जल्द ही अब मंत्रियों को उनके विभाग दे दिए जाएंगे। बिल्कुल अलीशा, ये कह सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब मंत्री मंडल का विस्तारीकरण होना था, कैबिनेट का विस्तार होना था, उस वक्त भी हमने देखा था कि दिल्ली दौरा हुआ था मोहन यादव का, और उसके बाद उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। और अब उनका एक बार फिर दिल्ली दौरा हुआ है, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करी है, जो फैसला लेते हैं बीजेपी के अंदर इस वक्त, चाहे जेपी नड्डा की बात करें या देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, दोनों से उनकी मुलाकात हुई है। गुरुवार को करीब 9:45 वो रात को रवाना हुए थे दिल्ली के लिए, और कल अलग अलग मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात तो करी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, लेकिन इसके साथ साथ दो महत्वपूर्ण मुलाकात उनकी तरफ से की गई है, एक अमित शाह के साथ और एक जेपी नड्डा के साथ। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जिसका लंबे समय से इंतजार था, पिछले 5 से 6 दिन से इंतजार है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, उससे, उन अटकलों से आज पर्दा हट सकता है। और उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर शाम तक के ये आदेश जारी हो जाएंगे कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग रहने वाला है, क्योंकि कई दिग्गज जीत कर आए हैं, बड़ा पोर्टफोलियो वो मांग रहे हैं। तो इन्हीं तमाम चीजों के बीच आज मोहन यादव भोपाल वापस लौटेंगे, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कल देर रात को ही उनको वापस आना था, लेकिन दिल्ली की तरफ का, उत्तर भारत की तरफ का लगातार मौसम खराब है और कोहरा पड़ रहा है, उन्हीं तमाम चीजों के कारण उनका कल वो रात को नहीं आ पाए थे। आज सुबह वो वापस आएंगे, और उसके बाद ये कह सकते हैं कि नाम पे तो सस्पेंस एक सप्ताह पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन अब विभाग को किसको क्या मिल रहा है उस पे सी सस्पेंस आज खत्म हो सकता है अलीशा। लेकिन ये कह सकते हैं कि लंबे समय के बाद बीजेपी के अंदर कोई मुख्यमंत्री दिल्ली की दौड़ इतनी करते हुए नजर आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान जब थे तो ना ही मंत्रिमंडल विस्तार में इतना समय लगा था, ना ही विभागों के बंटवारे में इतना समय लगा था, लेकिन इस बार कुछ तस्वीरें अलग देखने को मिल रही है, और ये साफ बताती है कि अब मध्य प्रदेश में दिल्ली का दखल बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले और समय में। बिल्कुल, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल लौट जाएंगे, और फिर तस्वीर जो है वो साफ हो सकती है कि आखिर किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए।